तो कैसे हो भाई, क्या हाल चाल? तो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो है भाई। आज के वीडियो में एक गुड न्यूज है, जो गेम पीसी और कंसोल्स के लिए था वो आ चुका है मोबाइल फोन पे, जिसका नाम है राजी। तो ये वाला गेम इंडियन कल्चर पे बेस्ड है। तो बेसिकली आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला गेम आपको डाउनलोड कैसे करना है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसे खेलना कैसे। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो अभी बात करते हैं ये गेम के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो पहली बात, ये गेम के सिंपल एंड इजी रिक्वायरमेंट्स है राजी गेम के, फॉर मोबाइल फोन्स पीसी एंड कंसोल्स के अलग है। तो बेसिकली पहली बात, मैं जिस भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, इवन आप जाके चेकआउट खुद से भी कर सकते हो। तो बात करते हैं ये गेम के रिक्वायरमेंट्स की। तो पहली चीज़ आती है कि ये गेम आप खेलोगे कहाँ। तो ये गेम आप बेसिकली एंड्रॉयड पे भी खेल सकते हो एंड इवन आईफोन पे भी खेल सकते हो। एंड्रॉयड पे एंड टैबलेट्स पे आपको बेसिकली एंड्रॉयड 8 प्लस चाहिए एंड 3 GB का रैम चाहिए। ऑल्सो इसमें और एक चीज़ ऐड करना कि आपको 2 GB का स्पेस लगेगा, क्योंकि ये गेम बहुत बड़ा गेम है, 2 GB का गेम है। एंड बात करते हैं आईफोन एंड आईपैड की। तो बेसिकली उसमें आपको iOS iPad OS 15 लगेगा एंड A12 चिप और लेटर उसके ऊपर वाले चिप्स लगेंगे। नीचे उसके मॉडल्स दोनों के दिए हैं, आईफोन के मॉडल्स एंड आईपैड के मॉडल्स दिए। बात करते हैं गेम के कैटेगरी की। तो बेसिकली गेम का कैटेगरी एडवेंचर एंड एक्शन पे बेस्ड है। नंबर ऑफ प्लेयर्स सिंगल प्लेयर है, मतलब आप अकेले ही इसको खेल सकते हो। एंड बात करते हैं ऑफलाइन प्ले की, तो ऑफलाइन प्ले भी आप खेल सकते हो, मतलब नेट बंद करके भी आप खेल सकते हो। एंड बात करते हैं क्लाउड से, ये सबसे बेस्ट फीचर लगा है मेरे को, आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं क्यों, बट मेरे को सबसे बेस्ट फीचर लगा है कि क्लाउड सेविंग हो सकता है इसमें, कि आप फ्यूचर में अगर आप खेल रहे हो तो बेसिकली आपका जो प्रीवियस गेम्स रहेगा वो सेव होता रहेगा। एंड ऑल्सो इसमें और राजी गेम के बारे में बात करें, तो बेसिकली राजी गेम बेस्ड है इंडियन कल्चर पे, पूना महाराष्ट्र पे बेसिकली ये गेम बेस्ड है, जितना मेरे को पता है अबाउट जितना मैंने गूगल से सर्च आउट किया है। तो अभी सीधे बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर से आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो मेरा मोबाइल बेसिकली एंड्रॉयड है, तो मैं आपको एंड्रॉयड पर दिखा रहा हूँ, और आपका iOS रहेगा तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होती है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद सर्च कर लेना है राजी गेम, या फिर आप सिर्फ राजी सर्च कर लो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजी एंड एंशिएंट एपिक। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखो, गेम डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए। पहली चीज़, 767 MB का गेम दिखा रहा है, बट ये है 2 GB का गेम, इंटरनल भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका बेसिकली वाईफाई अच्छा होना चाहिए एंड मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए। सो बेसिकली अभी मैं इसको इंस्टॉलेशन पे डालता हूँ, देन आपको सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ। तो सेकंड चीज़ ये रही कि ये, जैसे मैंने कहा था, ये वाला गेम नेटफ्लिक्स के कोलैबोरेशन में आया है। तो यहाँ पर अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको बेसिकली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए रहेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स का बेसिकली सब्सक्रिप्शन पैक्स मोबाइल के लिए, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ ये गेम खेलने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास एक तोड़ है। तो पहली चीज़ देखो, अगर आप अकेले हो तो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वैसा मत लो, आप अपने चार दोस्त को और बुलाओ, मतलब आप टोटल 5 जन हो गए, मोबाइल वाला सब्सक्रिप्शन ले लो 150 रुपीज़ वाला, जो पर हेड आपको 30 रुपीज़ पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले लिए एंड देन अभी आप मोबाइल पे गेम भी खेल लोगे, देन ऑल द वे डाउन भाई, मजे ही मजे तुम लोग के। तो सो बेसिकली देखो, ये एक प्लान मैंने बनाया था, अगर आपको अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप बेसिकली इसको खेल सकते हो, एंड अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बेसिकली तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी लेट्स वेट ये गेम डाउनलोड होने तक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा गेम जो है राजी एंड एंशिएंट एपिक डाउनलोड हो चुका है, जिसके आप लोगो पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे छोटा सा नेटफ्लिक्स का एन लिखा है। तो यहाँ पर मैं इसको चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पर चालू होने के बाद बेसिकली आपका स्क्रीन ब्लैक हो चुका है मेरा बेसिकली। तो जैसे आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स का एक लोगो आया स्टार्टिंग में, जो बेसिकली आएगा क्योंकि नेटफ्लिक्स का कोलैबोरेशन है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है कि आप, जैसे मेरा 3 अकाउंट्स हैं यहाँ पर,
तो आप कौन सा अकाउंट के साथ खेलना चाहते हो? तो मेरा बीच येलो वाला अकाउंट है तो मैं येलो वाले पे क्लिक कर देता हूँ। और आपको बेसिकली नेटफ्लिक्स होना चाहिए मोबाइल में, एंड जिससे आप नेटफ्लिक्स पे लॉग इन कर देना एंड डायरेक्टली ये तो उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड देन ऑल द वे डाउन तुम्हारा गेम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पर बेसिकली डाउनलोडिंग दिखा रहा है 148 MB का, विच इज़ 1.5 GB। तो इतना डाउनलोड और हो रहा है 700 MB का, पहले डाउनलोड हुआ था बेसिकली 2 GB का डाउनलोड हो रहा है। तो लेट्स वेट कि ये डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा गेम डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर अनरियल इंजन 4 पे बना है गेम एंड थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दे रहा है। दिस गेम यूजेज एन ऑटो सेव फीचर, डू नॉट टर्न ऑन द ब्ला 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 स्क्रीन, बेसिकली टर्न ऑन करने के लिए नहीं बोल रही है। देखो कभी कभार एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका गेम लोड हो रहा है एंड देन अचानक से आपका गेम बंद हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभार ऑटो सेव का इशू होता है। तो आप एक काम करना, एक तो दूसरा एप्लीकेशन खोलो एंड देन उसके बाद लोड करो, या फिर आप एक काम करो मोबाइल रिस्टार्ट मार के आ जाओ। जैसे पीसी हम रिस्टार्ट मारते कुछ नया गेम डाउनलोड करने के बाद, वैसे मोबाइल रिस्टार्ट मार के आ जाओ। तो यहाँ पर देखो मेरा गेम हो चुका है, टैप कर दिया टैप टू स्टार्ट एंड देन टैप टू स्टार्ट करने आपको आपको प्ले का ऑप्शन दिखा रहा है। प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैंपेज स्टोरी एंड देन वन शॉट वन किल। तो बेसिकली मैं स्टोरी मोड ही खेलूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे ग्राफिक सेटिंग हाई है एंड ओके हाई लो मीडियम हाई ओके ओके। बैकग्राउंड चेंज हो रहा है उस पर, देख रहे हो लो पे आग कम हो रही है, मीडियम पे थोड़ा आग ज़्यादा बढ़ रहा है एंड हाई पे बेसिकली थोड़ा बहुत ग्राफिक चेंज हो गए। इस पर आप इवन FPS भी अपना सेट कर सकते हो, आपके मोबाइल के ऊपर है कि आपको कितने FPS पे को खेलना है। 60 FPS पे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कैसा जाएगा मेरे मोबाइल पे एंड देन आपको एक बार प्ले करते हैं स्टोरी मोड पे, एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके कन्फर्म ओके एनेबल ट्यूटोरियल है, एक बार ट्यूटोरियल हम देख लेंगे, मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, इंग्लिश में देखेंगे भाई। लेट्स मूव ऑन विद दिस गेम। तो राजी एंड एंशिएंट एपिक ये गेम का नाम है, सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कौन से तो स्क्रीन पे, ओके होल्ड टू स्किप दिस ओके। सो ये बेसिकली यहाँ पर इंट्रो हमारा प्ले ऑन हो रहा है। तो अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आ रही है नीचे कमेंट करना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपका गेम क्रैश हो रहा है तो बेसिकली आपको उसको रिस्टार्ट कर देना। यहाँ पर बेसिकली इंट्रो चल रहा है, तब तक मैं आपको इतना सब बता देता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इनोवेटिव तो नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो भाई इसको आगे फॉरवर्ड करना एंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भाई, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है अगेंस्ट दिस गेम तो मेरे को आप बताओ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर सकूं। तो गाइज तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।